रोडमल नागर जी, ये तो रोडमल नागर, आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया। रोडमल जी थोड़े से कमरे से इधर हो जाओ। नाउ आज हमारा देश विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो या ड्रग्स जैसी तस्करी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इन गंभीर समस्याओं के खात्मे के लिए हमारी सरकार प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर बड़े नोट छापकर इन समस्याओं को जीवन दान भी दे रही है। या दूसरे शब्दों में कहें तो इन सारी समस्याओं की जड़ में बड़े नोट भी हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे देश में 90% नोट 500 और 1000 के छापे जा रहे हैं। बड़े नोटों का आसानी से गैर कानूनी इस्तेमाल इस देश में देश विरोधी गतिविधियों को फलने फूलने में किया जा रहा है। 500 और 1000 के नोटों का कहें कि बड़े नोटों की वजह से भ्रष्टाचार और देश की सुरक्षा पर भी गंभीर संकट पैदा हो गया है। बड़े नोटों के छपने की वजह से राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा जाली नोटों का भी कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। आज हम देखते हैं जितने भी विकसित देश हैं जहां बड़े नोट बहुत कम दिखाई देते हैं। एडगर फ्रिज ने कहा है, एक तरफ तो सरकार देश के विकास के लिए टैक्स को भी ज्यादा से ज्यादा वसूलने की ओर ध्यान देती है, वहीं दूसरे ओर बड़े नोट छापती है जो देश में टैक्स चोरी का बड़ा साधन बनता है। यह अपना आप में एक समस्या है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रहित में जल्द से जल्द बड़े नोटों की छपाई कम की जाए, जिससे देश के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद, तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सके।